सो हाय गाइस, एक्सप्लोरर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्चुअली मैं जो वीडियो अभी बना रहा हूँ, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, मतलब स्पेशली टाटा पंच और आइकिन से कि टाटा अल्ट्रोस पे, मतलब बेसिकली जो थ्री सिलेंडर इंजन का जो गाड़ी है उस पे, अगर मतलब आप दिन का पहले स्टार्ट दे रहे हो तो स्टार्ट देने के बाद एक चीज़ आपको करना चाहिए, मतलब इंजन को थोड़ा सा हीट अप होने के लिए थोड़ा सा उसको टाइम देना चाहिए। मतलब देखो, अभी गाड़ी मेरा जो है थ्री लेवल पे चला गया हीटिंग का, देख रहे हो, थ्री लेवल पे। एटलीस्ट ये जो हीटिंग है ये अगर टू लेवल पे जाए उसके बाद ही आपको मतलब गाड़ी चलाना चाहिए, नहीं तो जो है वो एक वाइब्रेशन आएगा, एक नॉकिंग आएगा इंजन के। तो यही एक छोटा सा बात है। एंड जो मैंने बोल रहा था जो हाँ वो फर्स्ट गियर पे या सेकंड गियर पे इंजन जर्क कर रहा है, तो इसका एक ही यही एक रीज़न हो सकता, मतलब होगा एक्चुअली, अगर मतलब आप दिन का पहले स्टार्ट कर रहे हो या दिन अगर स्टार्ट करके एटलीस्ट 3-4 मिनट आपको मतलब स्टार्ट करके रखना चाहिए, मतलब ये जो हीटिंग का जो मतलब ये कूल से हीट का जो मतलब जो पॉइंट है ये एटलीस्ट 2 पे जाएगा, तो उसके बाद आप गाड़ी मतलब लेके चलो तो उतना कुछ नॉकिंग जो है, इंजन नॉकिंग, इंजन वाइब्रेशन थोड़ा सा कम महसूस होगा। तो यही एक बात है। उससे अलावा भी मतलब आपको जो नॉकिंग है, जो वाइब्रेशन है वो आ रहा है, तो आपको जो मैंने बोला था स्पार्क प्लग, वो 3 स्पार्क प्लग जो है इंजीके का आपको चेंज कर लेना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा बेटर होगा ये चीज़, वाइब्रेशन थोड़ा सा कम होगा, जो नॉकिंग है ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यही एक बात है। एंड इंजीके का स्पार्क प्लग का जो है, अगर आप चाहो तो मैं ये लिंक भी दे दूंगा, वो ये आइरेडियम वाला स्पार्क प्लग नहीं है, ये नॉर्मल स्पार्क प्लग है जो जिसका प्राइस नियरली 400-500 के आसपास आएगा, तो तीनों का ऑलमोस्ट 1500 के आसपास। तो ये तीनों स्पार्क प्लग आप चेंज कर लेना, तो उसके बाद वेल एंड गुड, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, मतलब दिक्कत रहेगा बट हाँ उतना दिक्कत नहीं रहेगा। तो यही एक बात है। अभी मैं हूँ दिल्ली रोड पे श्रीरामपुर, तो या दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। एंड अगर आप स्पार्क प्लग चेंज नहीं करना चाहते हो तो एक चीज आप करो, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा गाड़ी को हीटअप, मतलब हीटअप होने के लिए टाइम दो, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, मतलब वाइब्रेशन हो जो है, नॉकिंग जो है सब कुछ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग। या थैंक यू, एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था रिगार्डिंग दैट इंजन नॉकिंग ऑफ टाटा पंच। सो एक्चुअली टाटा पंच में ये चीज़ हो रहा है क्योंकि 1.2 लीटर इंजन है एंड 3 सिलेंडर इंजन है, कंपनी ने 3 सिलेंडर दिया है फॉर दैट बेटर माइलेज एंड फ्यूएल एफिशिएंसी। सो इस